वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। गुलाम नबी आज़ाद ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से लेकर सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। आज़ाद ने कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी को 5 पन्नों का इस्तीफा भेजा है। सोनिया गांधी को भेजे गए इस्तीफे में गुलाम नबी आज़ाद ने लिखा, बड़े अफसोस और बेहद भावुक दिल के साथ मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अपना आधा सदी पुराना नाता तोड़ने का फैसला किया है। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा की जगह कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए। गुलाम नबी आज़ाद लंबे वक्त से कांग्रेस से नाराज थे। वे कांग्रेस के नाराज नेताओं के G23 गुट में भी शामिल थे। G23 गुट कांग्रेस में लगातार कई बदलाव की मांग करता रहा है। इससे पहले कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। गुलाम नबी आज़ाद की नाराज़गी तब सामने आई जब उन्होंने अभियान समिति का अध्यक्ष बनाए जाने के कुछ घंटों बाद ही पद से इस्तीफा दे दिया था। दरअसल सोनिया गांधी चाहती थी कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में आज़ाद के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़े, इसलिए उन्हें चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन गुलाम नबी ने पद मिलने के कुछ घंटों बाद ही स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से ही उन्हें लेकर राजनीतिक गलियारों में तमाम कयास लगाए जा रहे थे। गुलाम नबी आज़ाद ने पार्टी से इस्तीफा ऐसे वक्त पर दिया जब कांग्रेस ने हाल ही में कुछ समय के लिए अध्यक्ष पद के लिए चुनाव टाल दिया था। आज़ाद से पहले कपिल सिब्बल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जयवीर शेरगिल, जतिन प्रसाद, सुनील जाखड़, कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे नेता भी पार्टी छोड़ चुके हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईआन टीवी।